दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोलका डॉट का। डॉट में कैसा आपको अभी मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या इसका स्पोर्ट जोन है, क्या इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। तो दोस्त, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे हम पोलका डॉट के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 3.6 डॉलर के रेंज में देखने को मिलता है, 0.8% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। मार्केट कैप आपको 4 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 80 मिलियन की है। अभी इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन बढ़ी हुई है, पर जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो बाइंग रेंज होगा ना, वो आपको इसका देखने को मिलेगा 3.8 से लेके 3.4 के बीच में। तो अगर अभी के डेट में आप चाहें तो अपनी एक पार्शियल एंट्री ले सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट का सिग्नल दिया था जब इसका जो प्राइस है वो 4.04 के नियर अबाउट था, तो उससे आप अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे होंगे। पर अभी भी क्या है, अगर आप चाहें तो ऐसा लोन एंट्री करके अपने शॉर्ट वाले ट्रेड को कंटिन्यू रख सकते हैं, और जिन लोगों ने शॉर्ट का ट्रेड नहीं लिया वो अभी स्पोर्ट में थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको 1 बिलियन के ऊपर देखने को मिलती है। टोटल सप्लाई भी 1 बिलियन के ऊपर है। मैक्सिमम सप्लाई आपको इन्फिनिटी देखने को मिलती है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी जो सप्लाई है वो बढ़ती रहेगी। अब अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं पोलका डॉट के बारे में, तो यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। इसकी वेबसाइट पे विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर इसके हम प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑल टाइम हाई है वो आपको $55 के रेंज में देखने को मिला है, और जो इसका ऑल टाइम लो है वो आपको 2.6 के रेंज में देखने को मिला है। तो अपने ऑल टाइम लो के पास है अभी पोलका डॉट, तो आप चाहें तो आपके बाइंग रेंज के नियर अबाउट है, आपकी अच्छी यहाँ पे एक एंट्री हो सकती है। पर पार्शियल एंट्री लेना है, अभी भी आपने यहाँ पे 2 एंट्री लेने जितना फंड अपने पास होल्ड करना है। अब अगर इसके हम एक्सचेंज की बात करें तो अभी की डेट में देखिए पोलका डॉट की लिस्टिंग आपको बहुत सारे एक्सचेंज पे देखने को मिलेगी, जिस मर्जी एक्सचेंज से आप इसको बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इसके चार्ट को। तो दोस्त, आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम पोलका डॉट का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। पहले हमने यहाँ 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के टाइम इंटरवल पे अगर इसके यहाँ पैटर्न की बात करें तो ये कुछ लेवल था जब मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्राइस है वो डंप होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, और जब हमारी कैंडल्स ने यहाँ रिजेक्शन खाया 200 के ईएमएस से, तब हमें श्योर हो गया था कि आपको यहाँ पे जो बॉटम रेंज है वो 3.8 का और 3.4 का देखने को मिलेगा। तो अभी जो हमारी पहली एंट्री है 3.8 वाली जो सपोर्ट में होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट ओपन करा है उनका अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। अब उन्होंने क्या करना है, ऐसा लोन एंट्री कर देना है, और उसके बाद से जो फर्दर टारगेट होगा वो 3.5 का 3.4 का होगा। अब जिन लोगों ने बाइंग करनी है उनका जो नेक्स्ट एंट्री का जोन है वो है 3.5 का, मतलब आपने इसके नियर अबाउट जाके अपनी सेकंड एंट्री लेनी है। अभी देखिए, अगर हम यहाँ मार्केट में वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको डिक्रीजिंग साइड में देखने को मिलता है, और अगर हम यहाँ पैटर्न वाइज भी देखें तो यहाँ पे आपको एक बेयर फ्लैग ही फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू भी इसका जो प्राइस है वो एक बॉटम लगाएगा। अब अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली पे देखें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो हमारा सपोर्ट का लेवल है, जैसे ये ब्रेक हुआ आपको अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिली। अब देखिए, अगर यहाँ से हम रिकवरी के साथ अगर $4 के रेंज को भी टच करते हैं, उसके बाद भी आपने बुलिश नहीं होना, हमें बेरिश ही मूवमेंट देखने को मिलेगी। पर अभी के लिए क्या है, जितने हम यहाँ बॉटम लगाते जाएंगे आपने यहाँ थोड़ी थोड़ी डीसे करते जाना है। हम इसमें जो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 2024-2025 के लिए करेंगे, क्योंकि पोलका डॉट एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और जिस हिसाब से इसमें बॉटम लगा है आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए थोड़ा। बाकी आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने बिहाफ पे भी जरूर चेक करना है, क्योंकि मैं आप लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो मुझे लगा मार्केट में कि इसको अगर हम बाय करके चलेंगे तो ईजिली आपको यहाँ पे 5x से लेकर 10x का रिटर्न मिलेगा, तो इस लेवल को देखते हुए मैंने आपको बताया एंट्री लेने का। फिलहाल इसका जो प्राइस है वो यहाँ और नीचे जाएगा, पर जैसे आपने यहाँ पे देखा कि हम एक रिकवरी के साथ फिर डंपिंग देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है, थोड़ी रिकवरी होगी देन आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने बोला है कि जिन लोगों ने शॉर्ट ओपन करा है वो ऐसा लोन एंट्री करके तब इसको होल्ड करें। तो होप आपको ये वीडियो में अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपकी जो सेकंड एंट्री है, या अगर आपने 3.8 पे अपनी बाइंग नहीं करी तो एक पार्शियल एंट्री अभी ले लें, और उसके बाद से आपकी जो सेकंड एंट्री होगी वो 3.5 के नियर अबाउट होगी या उसके नीचे आपने लेनी है,
ओवरऑल जो आपका बाइंग का रेंज होगा मेरे अकॉर्डिंग आप इसको $3 तक बाय कर लें और इसको बाय करने के बाद होल्ड कर दें। अगर हम आपके टारगेट की बात करें तो ईजिली आप यहाँ पे $9 का, $12 का, $15 तक का अपना टारगेट रख सकते हैं। और जैसे जैसे मार्केट में बिटकॉइन की रिकवरी आपको देखने को मिलेगी उस हिसाब से डॉट का भी आपको रिकवरी यहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।